विराट अनुष्का का वृंदावन ट्रिप के दौरान गुरु के सामने मत्था टेकते हुए एक वीडियो सामने आया है। इसी वीडियो में विराट और अनुष्का बाबा नीम करोली के आश्रम में उनका सत्संग सुनते और प्रार्थना करते देखे जा सकते हैं। विराट और अनुष्का के साथ वामिका भी मौजूद हैं। वो अनुष्का शर्मा की गोद में बैठी नजर आ रही हैं। आश्रम में बाबा ने अनुष्का को चुनरी पहनाई और इसी दौरान जब वामिका ने अपना चेहरा ऊपर किया तो वीडियो में उनके चेहरे की एक झलक कैद हो गई। यही नहीं, कई और जगह भी वामिका की पहली झलक विरुष्का के फैंस को देखने को मिली। वहीं अनुष्का भी इस दौरान कैप में काफी सुंदर दिखाई दे रही हैं। गुरु के हाथ जोड़ते वक्त दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी है, जो अनुष्का की सुंदरता पर चार चांद लगा देती है। इस दौरान दोनों बड़ी ही तल्लीनता से प्रवचन सुनते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के अंत में विराट कोहली वामिका को अपनी गोद में उठाते हैं। इस दौरान भी वामिका का क्यूट चेहरा दिखाई देता है। जाते वक्त अपने गुरु को अनुष्का शर्मा साष्टांग प्रणाम करती दिखाई देती हैं, जबकि उठते वक्त वो कुछ योगा स्टाइल में उठ रही हैं, जिसके फैंस भी मजे ले रहे हैं। उनके इस स्टाइल पर एक फैन ने लिखा, योगा करने वालों को साष्टांग प्रणाम करने ज्यादा परेशानी नहीं होती। वहीं एक और ने लिखा, जिस तरह से अनुष्का साष्टांग प्रणाम करने के बाद उठ रही हैं, वो उनकी फिटनेस को दिखाता है। खैर, जो भी हो, हमें इन दोनों की वृंदावन यात्रा काफी पसंद आई, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय भी जरूर कमेंट करें।